Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीरियल बहुबेगल में हर दिन आ रहे हैं कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स। फिर वह हाई वोल्टेज ड्रामा, नूर के सामने आया खालिद का सच कि खालिद है नूर की अम्मी के कातिल, जिसके चलते हुए खालिद की खूब जमकर पिटाई। पर लगता है नूर का है कुछ अलग ही प्लान। खालिद का सच जानने के बाद भी वो सामने नहीं आने दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि अगर खालिद ने किया उसके जुर्म का कबूलनामा तो नहीं होगा नूर और अजान की शादी, और नूर ऐसा नहीं चाहती है। अजान ने भी किया खूब ड्रामा शादी नहीं करने की, और यूं कह सकते हैं शायरा को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं अजान, इसलिए तो सर पर बंदूक तान दी अम्मी यानी दाजिया बेगम ने। फाइनली शायरा ने मना लिया है और दे रही है उनका साथ। फिर क्या था, हो गया अजान और नूर का निकाह, और अब अजान की एक नहीं बल्कि दो दो बेगम हैं। मतलब अपने ही पति को निकाह के लिए तैयार कर कर ले आई हैं, यहाँ आपने शर्तें रखी थी पहले, लेकिन आज आपके साथ ही शर्त रखा जा रहा है। काफी ड्रामे हुए घर में, क्या सब हुआ अगर बताए तो। तो क्या चल रहा है घर में, मतलब निकाह हो गई है लेकिन उसके पहले बहुत सारा ड्रामा हुआ जहां आप उनको तैयार करके ले आई। आपने ये शर्त रखा था कि उनको नूर से शादी करनी पड़ेगी और आप डिवोर्स दे देंगी, लेकिन आज डिवोर्स भी नहीं दिया जा रहा और निकाह भी हो गई, क्या सब चल रहा है। नाइंसाफी हो रही है शायरा के साथ। एक्चुअली जब हमने अजान को मनवाया था कि आप नूर से निकाह कर दीजिए, तो मैंने शर्त रखी थी कि आप, मैं आपकी सारे निकाह के रस्मों में रहूंगी, पर उसके बाद आपको हमें तलाक देना होगा। तो अजान को जब मैं एंड मोमेंट पे भी मैं जब उनको कहती हूँ कि इन पेपर्स पे साइन करिए तब आप जाके निकाह कर सकते, तो वो मना कर देते हैं। एंड फिर वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब हम, मतलब अजान दोनों बीवियों को रखेगा। एंड फिर मैं उनको थोड़ी बहुत धमकी देती हूँ कि मुश्किल में से मुझे नहीं रहता। मतलब किस तरह से अजान ने आपको मना लिया तलाक नहीं देने के लिए, क्या सब हुआ घर में ड्रामा? तो इससे पहले जब हम रूम में होते हैं और जब मैं अजान को रेडी कर रहती हूँ कि अब चलिए आपके निकाह का वक्त हो गया है, तब मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ हमें तलाक दे दीजिए, तो तब वो इनकार करते, तब वो कहते हैं कि नहीं हमारी पहले बीवी को आने दो, उसके बाद मैं आपको तलाक दे दूँगा। और जैसे ही अब सब मंडप में हम लोग सब थे वो सेट पे, यानी नो ऑलमोस्ट नूर आने वाली थी, तभी मैं उनको एक और बार कहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पर तभी वो फिर कहते हैं कि मेरी दुल्हन कहाँ है, एंड फिर नूर पता नहीं कहाँ गायब होती है, फिर नूर आती है, उनकी हालत नहीं सही रहती है। मैं जाती हूँ नूर के पास, कहती हूँ क्या हुआ, एंड फिर एंड में जब कबूल है का टाइम आता है तो अजान इनकार करते हैं, कहते हैं कि अब मैं नहीं दूंगा तलाक, अब मुझे दोनों बीवियाँ चाहिए। नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू नूर एंड यू नो डजंट वॉन्ट्स टू लीव मी, उसको दोनों बीवियाँ रखना है, बिकॉज वो मुझे नहीं जाने दे सकते हैं, वो मुझे नहीं तलाक देना चाह रहे हैं। तो भी हम सब वही छूट कर रहे थे, फिर वो गोली रख देते हैं सर पे। अच्छा, अजान को थप्पड़ भी पड़ गया अम्मी जान से, रजिया बेगम से थप्पड़ भी पड़ गया, उसके बाद उन्होंने अपने कनपट्टी पर मतलब बंदूक की नोक पर खुद को रख लिया, जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी मानना पड़ा तलाक नहीं देने के लिए। बिकॉज बहुत साल पहले रजिया बेगम के साथ भी ऐसा हुआ था, वो दो निकाह में शरीक हुई थी, एंड जब वो वापस से देख रही उसके उनका बेटा वो ऐसा कर रहा था, वो एकदम टूट गई थी, बहुत सारा गुस्सा था, इसलिए शी स्लैप्स हिम। एंड फिर मैं भी क्या कर सकती, मैं भी बेबस थी, उनके सर पे मतलब अजान ने अपने सर पे बंदूक रखा था, फिर मैंने एकदम हार मान लिया, मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो चल रहा है